सबसे बाहर ये गेंद थी, दो फील्डर के दरमियान से गेंद को निकाला और कोई मौका नहीं होगा किसी फील्डर के पास इस गेंद को रोकने का, और गेंद चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। कभी कभार ये विकेट दी है गेंद करते हुए ऑफ स्टंप के बाहर की है, और इसका स्टेफनी टेलर ने अपने एक्सपीरियंस को बुरे का लाते हुए पूरा फायदा उठाया। हालांकि एक दीवार सी बनाई हुई है कवर्स में, लेकिन उसको वो एक्सप्लॉइट करने में कामयाब। जो मुख्तसर गैप मौजूद था दो फील्डर्स के दरमियान से खेला, बेहतरीन प्लेसमेंट, तेज आउटफील्ड, रन हासिल होंगे टेलर को। खूबसूरत शॉट बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ निकालने के लिए गई हैं, हल्की सी विड्थ हासिल हुई और इसका पूरा फायदा उठाया हाई बैकलिफ्ट के साथ कप्तान ने। जिस तरह मैंने पहले कहा कि भरपूर बैकलिफ्ट के साथ खेलती हैं, खत का अपने पूरा फायदा उठाती हैं, इस पर दबा कट करने में कामयाब। कोई मौका नहीं था यहाँ पे फील्डर के पास गेंद को रोकने का, गैप में से गेंद को निकाला, चार रन हासिल किए। Oh, in two minds for a moment. She was trying to drive and then she just opens the face of the bat. Runs it down to third man. They come back for two and they're pushing for third. If I'm not wrong. Na ye short mid wicket hai aur na ye mid on hai. Back foot pe is baar boundary hasil karne mein kamyab hui Taylor. Shandar shot thi ye aur daawat di thi Nashra ne outside off stump jiska bharpoor fayda uthaya Stefani Taylor ne. अच्छा स्ट्रोक था ये बैकफुट पे और गेंद चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। अच्छा बैकफुट पे खेला गया स्ट्रोक, दो फील्डर के दरमियान से इस गेंद को निकाला और यकीनी बाउंड्री हासिल की इस मौके पर टेलर ने अपने 5000 रन के करीब पहुंचते हुए वेस्ट इंडियन कैप्टन टेलर। ये फील्ड और ये बॉलिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं बनेगी टेलर के लिए, ऑफ साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। दैट शुड रन अवे फॉर फोर, या इट डस। अनम इज वेरी वेरी वाइड बिहाइंड द स्क्वायर ऑन द ऑन साइड, रियली टफ फॉर हर टू गेट देयर, एंड दैट ब्रिंग्स इन द 54 स्टेफानी टेलर। ब्रिलियंट नॉक फ्रॉम द कैप्टन coming into bat when the side was in trouble, 15 for 3, and she's shown some class, she's shown exactly what she's all about, the talent and the experience that she has. 37th half century for Stefani Taylor with that sweep shot, played it fine, chasing a wide one, driven through, this time Ayesha won't be able to catch up. That's so important to finish the over well. 146 for 4. That was driven firmly. There you go with that shot. These are the shots. These are the deliveries Pakistan need to just stop bowling on the legs now. Previous over, dot balls, two singles, and then last ball, a boundary. If you leak 6 and over, the required is only 4.25. You'll be left behind. Every single delivery is important. They need the wicket of Taylor. The mindset of the Pakistan unit. Seedha kheli hai, seedha kisi teer ki manan, bowler aur umpire ke sar ke upar se. Stefani Taylor ki timing aur placement lajawab aaj ki sham. बेहतरीन शॉट, चार रन, परफेक्ट टाइमिंग, स्वीट टाइमिंग फ्रॉम द मिडिल ऑफ द विलो। अच्छा इस्तेमाल किया डायना बेग के पेस को और बल्ले का फेस ओपन करते हुए राशिद रियाज के सर के ऊपर से खेला चार रन के लिए। शॉर्ट बॉल की थी, उसको गैप में खेलने में कामयाब। कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास और एक और बाउंड्री। ऐसा लगता है कि अब प्रेशर बिल्कुल ही खत्म कर दिया इन दोनों प्लेयर्स ने। 200 रन मुकम्मल वेस्ट इंडीज के, और इसे बेहतर मौका हो नहीं सकता कि उनकी कप्तान इस एफर्ट को लीड कर रही हैं, फ्रंट से लीड करने की मिसाल बनी हुई। इतनी शॉर्ट गेंद, हालांकि दो फील्डर ऑन साइड पे प्लेस थी, लेकिन पूरा वक्त मौजूद था इसको इनके एंड दरमियान से महारत के साथ बैसक करने के लिए। और इसे क्रिकेट में कहते हैं अपने पाओं पर गेंद पटक देना।
कि बिल्कुल आप बीच में गेंद रखते हैं तो क्रिकेट की जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें कहते हैं अपने बिल्कुल पांव पे गेंद को पटक दिया। शॉर्ट बॉल और इसको फील्ड नहीं कर सके, बड़ा ज़बरदस्त ये पंच था बैक फुट पे और इसको चार रन के लिए, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक इस मौके पर। स्टेफनी टेलर अपनी रीच का और क्रीज का भरपूर इस्तेमाल कर रही हैं, वेट को बैक फुट पे धकेला, गैप जो कि मौजूद था उसको बेहतरीन अंदाज से अपने लिए हासिल किया, सोने पे सुहागा होगा। इस मतलब कट करने गए और डीप थर्ड मैन पोजीशन पे निकाला इस गेंद को, चौके के साथ यहां पे अपनी सेंचुरी को मुकम्मल किया टेलर ने, तो पहली सेंचुरी है ये इस सीरीज की, बड़ी जबरदस्त कैप्टन नॉक टेलर की जानिब से। मुश्किलात का सामना था वेस्ट इंडीज को, लेकिन टेलर स्टेफानी टेलर वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स इन द वर्ल्ड आज साबित किया उन्होंने कि किस तरीके से अपनी टीम को वो फाते करार परवास डलवा सकती हैं, और आज शानदार 100 रन बनाने में कामयाब हुई, बड़ी मुश्किल एक लम्हे से निकाल के लेके गई, और ये वो चार रन जिसके बकौल जिसके वजह से उन्होंने अपना बैट रेस किया। मिड विकेट पर निकाल दिया इस बार नेशन ने और चार रन हासिल करने में कामयाब, सिर्फ दो रन की दूरी पे हैं, तीन रन की दूरी पे वेस्ट इंडीज ये सीरीज 3-0 से जीतने। अच्छा इस्तेमाल किया कलाइयों का विद द रिस्ट, यहाँ पे खेलने में कामयाब हुए और चार रन हासिल किए नेशन ने। और स्ट्रोक के साथ ही अपनी निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल करने में नेशन कामयाब हुई, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे इनिंग नेशन की जानिब से, एक मुश्किल सूरत हाल पे बैटिंग करने के लिए आई, और यहाँ पे ना सिर्फ अपनी कप्तान टेलर के साथ पार्टनरशिप को बिल्डअप किया बल्कि अपनी निफ्ट सेंचुरी भी मुकम्मल की नेशन ने। 65 गेंदों का सामना किया, 7 चौकों की मदद से ये निफ्ट सेंचुरी मुकम्मल की, शानदार इनिंग्स, और जो सपोर्टिंग रोल चाहिए था टेलर को वही आज जिम्मेदारी से निभाया नेशन ने, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ अपनी इनिंग्स जारी रखे हुए हैं और पहली 50 बनाई। और फील्डिंग में भी काफी एफर्ट दी आज नेशन ने, तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया, और इसके साथ ये सीरीज 3-0 से वेस्ट इंडियन वीमेन ने अपने नाम की, वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर वेस्ट इंडियन वीमेन टीम, जुबलेशन सेलिब्रेशन वेस्ट इंडियन कैंप में आप देख सकते हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही नौजवान नेशन की जानिब से, और साथ साथ एक्सपीरियंस कैप्टन नॉक खेली टेलर ने, और यूं ये सीरीज 3-0 से वेस्ट इंडीज के नाम।